हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4x4 मशीन में जो टर्बो लीकेज करती है तो उसकी जो ऑयल लीकेज होता है, ऑयल लीकेज कैसे बंद करते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं कि 4x4 इंजन होता है उसमें टर्बो कहाँ होती है और उसकी लीकेज कहाँ से होती है, वो कैसे बंद करते हैं, तो सारी जानकारी दिखाएंगे आपको वीडियो में। तो ये है 4x4 मशीन, जिसमें कि आगे भी एक्सल रहता है फ्रंट एक्सल में और पीछे भी एक्सल रहता है। तो अभी दिखाते हैं, ये पीछे वाला एक्सल है और ये आगे वाला एक्सल है और ये है इसका इंजन। ये भी बोला तो इंजन में ये टर्बो है। तो यहाँ से ये होज खोलना पड़ता है इसे, और ये भी होज खोलना पड़ता है इस टर्बो को खोलने के लिए। तो यहाँ से ये सारा लीकेज हो रहा है ऑयल में, एक ही तो इसकी लीकेज बंद करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंजन सीज हो जाता है। अगर ऑपरेटर भाई ध्यान नहीं देते हैं इसका, या मालिक लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो मशीन चलाने के बाद ऑयल कम होगा और जब ऑयल नहीं होगा तो इसमें इंजन में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, कहीं से इंजन में लीकेज नहीं होनी चाहिए। तो इसका ये होज भी हमने खोल लिया है यहाँ से। यह है इसकी टर्बो। तो टर्बो इसमें इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये 25% इंजन के लिए टॉर्क ज़्यादा कर देती है। मतलब अगर 4x4 मशीन है तो इसकी इंजन की ताकत को ज़्यादा बढ़ा देती है ये टर्बो 25%, जिससे कि लोड देने में इंजन के लिए कोई भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और ये टॉर्क के लिए बढ़ा के इंजन को अच्छा कर देती है टॉर्क में। इंजन स्टार्ट हो गया है इसकी, अब ऑयल चेक किया है तो टर्बो को पहले अच्छे से साफ कर लेते हैं, फिर मशीन स्टार्ट करके चेक करेंगे कि ऑयल आ कहाँ से रहा है, जबकि यहाँ से कोई ऑयल का संबंध नहीं होता है, ऑयल नहीं निकल आना चाहिए यहाँ से। तो टर्बो खोलने के लिए यहाँ 15 नंबर के नट रहते हैं, 3 उन्हें खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद में ये 13 नंबर के 4 नट रहते हैं, इन्हें खोल के स्टड रहते हैं, उन्हें खोल के टर्बो के लिए बाहर निकालेंगे। साइलेंसर इसका निकाल लिया है, जितना पूरा जाएगा ना तो गिरे ना नहीं, एक अंदर अभी से निकालो ऊपर किसी सर गई ना, ऊपर 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 एक काम करो। तो ये 4 वोल्ट है इसमें, 4 नट स्टडी है, ये खोलना पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल लगा लो, ये आराम से ये खुल जाएगा, और लगाओ थोड़ा थोड़ा। तो तुम तैयारी होली कर रहे हो? हाँ। मानेगा नहीं तो भाई, ये मेरा छत्रपाल कर सके टर्बो का खोल लो। अच्छा, तो टर्बो के लिए खोल लिया है ये यहाँ से पूरा, अब
कस्टमर इसे खुद ठीक करा के लेके आएंगे, फिर इसे हम फिट करेंगे, क्योंकि इसके लिए टर्बो वाला ठीक करेगा। इसकी जो लीकेज है वो इसे अच्छे से चेक करके इसमें जो भी सामान डलने का होगा तो वो टर्बो जो ठीक करता है उसके पास ये जाएगा टर्बो, फिर ये ठीक होकर आएगा, फिर इसके लिए हम इसे यहाँ फिट करके चेक करेंगे। कस्टमर लोकल मार्केट से टर्बो के लिए रिपेयर करा के लेके आए हैं। कंपनी जिस भी कंपनी में टर्बो की कीमत 75,000 रुपये से लगभग ऊपर है, इसलिए मशीन मालिक की जो है लोकल मार्केट से टर्बो के लिए रिपेयरिंग करा के लेके आए हैं। जिस भी कंपनी में पूरी असेंबली मिल रही थी उसके पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो ठीक करा के लेके आए बाहर लोकल मार्केट से, हमने फिट कर दी है। अब कोई भी मिट्टी नहीं है इंजन में, टर्बो की लीकेज बंद हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना।